हमागनी मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अभी हम हैं उदयपुर में, और इससे पहले ना मैंने उदयपुर की दो वीडियो शेयर कर रखी हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं, मैं ऊपर लिंक कर दूंगी। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सी वहाँ की स्पेसिफिक दाल बाटी की, और उसके साथ में जो वहाँ पे एक ऑथेंटिक चौपाटी है जो कि स्ट्रीट फूड के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, उसकी मैंने शेयर कर रखी, वीडियो में ऊपर लिंक कर दूंगी। और अभी हम जा रहे हैं जॉस्टल में, एंड ये फुल वीडियो ना छोटी सी मैंने बना रखी है सिर्फ जॉस्टल के ऊपर ही, क्योंकि उदयपुर का जॉस्टल बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। एंड आई थिंक जॉस्टल मैंने जो भी इससे पहले एक ही में गई थी वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था, तो अभी ये दूसरा वाला मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इससे पहले जो हॉस्टल में गई थी वो भी मैं ऊपर लिंक कर दूँगी, आप जाके देख सकते हैं, वो नैनीताल के पास वाला था। चलिए हम आपको लेके चलते हैं अभी उदयपुर के हॉस्टल में, जो कि बहुत ही ऊपर चढ़ाई करके जैसे आपने देखा था। और ये हमने एंट्री करी है, जो कि दीवार इन्होंने बहुत ही प्यारी से बना रखी है, फुल ऑन अलग से जहाँ जहाँ पे हॉस्टल है उसके मैप बना रखे हैं, थोड़ा थोड़ा सा एरिया दिखा रखा है। ये देखिए आपका हॉस्टल का स्कोर क्या है, मेरा तो अभी तक फ़िलहाल दो ही है, आगे और देखेंगे और बहुत सारे बनाते रहेंगे, क्योंकि मुझे हॉस्टल बहुत ही ज़्यादा सही लगता है प्राइस बेस पे उनकी जो सुंदरता बना रखी है। जैसे ये देखो, हम लोगों ने ना एक सिंगल रूम लिया था जिसके अंदर में इतना ज़्यादा प्यारा, मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, ये इतना ज़्यादा इंटीरियर डेकोरेशन, ऐसा लगेगा जैसे मैं किसी महल के कमरे में आ रखी हूँ। सो प्रिटी ब्यूटिफुल, सिंपल सा बाथरूम था, ऐसा नहीं था कि बाथरूम का बड़ा एकदम ऐसा आलिशान सा कुछ अलग सा रूम के बेस में था, मगर बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा रूम है। आप देखो इसे झाड़ फरश लगा रखे हैं अंदर, जैसे उदयपुर की जो प्रॉपर आर्किटेक्चर हो गया, जो एक ऑथेंटिसिटी हो गई, उस देसी वाइब्स को इन्होंने पूरा कैप्चर करा और बहुत ही सुंदर था। और हमारी जो ये शीशा था, हमारा विंडो था, उससे बाहर में ही एकदम से हमारी छोटी सी लेक थी जो मैं आपको दिखाऊँगी। एंड मुझे ना ये कॉर्नर दूसरी साइड में भी था, एंड मुझे ये कॉर्नर वाला एरिया बहुत ज़्यादा प्यारा लगा, दिस इज़ सच ए क्यूट कोजी कम्फी एरिया। एंड ये रहा हमारा जो विंडो थी उसके बाहर का लेक वाला छोटा सा एरिया, तो सिंपल सा था, प्यार सा था। और अभी हम थोड़ा सा इधर उधर घूमेंगे, एंड इसके साथ मैं आपको दिखाऊँगी यहाँ का गेम रूम, लेट्स गो। जितने भी हॉस्टल्स होते हैं उसके अंदर में एक प्रॉपर कॉमन गेम रूम होता है, तो अभी मैं आपको वहाँ लेके जा रही हूँ, जिसके अंदर में ना बहुत प्यारे प्यारे मस्त मस्त गेम्स थे जो कि हमने खेले वहाँ के, कुछ वहीं के जो हॉस्टल के लोग थे उन लोगों के साथ हम लोगों ने खेला था। ना नाम ना जान ना पहचान, बट गेम सब खेल रहे थे मस्त तरीके से, तो कैरम था, फूजबॉल था, ऊनो था, कार्ड्स था, मोनोपोली, पता नहीं क्या क्या तो गेम्स थे। तो अगर आप अगर सिंगल बेस में भी आते हो या आप ग्रुप में भी आते हो, यू विल इन्जॉय इट, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। एंड यहाँ पर ना हमने सोचा कि चलो डिनर करते हैं, तो ये छत का पूरा टेरेस वाला एरिया था जहाँ से अच्छा व्यू था। तो आप ये नहीं सोचोगे कि भैया हम हॉस्टल में किसी ऐसे पैक पैक करके हॉस्टल में गए हुए तो अच्छा व्यू नहीं मिलेगा, व्यू तो देखो एकदम ताबड़तोड़ मस्त सा था। और सामने देखो लेक भी आपको दिख रही है, बहुत ही प्यारा व्यू था, खाना भी अच्छा था, पॉकेट फ्रेंडली था। और इस बेस में हमने ये आपको एरिया दिखा दिया, एंड उसके बाद में वो तो टेरेस एरिया था, ये जस्ट उसके नीचे में प्रॉपर रेस्टोरेंट एरिया भी इन्होंने एक अलग से बना रखा था जो कि शेड में था। और देखोगे आप बहुत ही सुंदर लाइटिंग सी, मतलब देखो यार इतना प्यारा सा सिंपल सा बना रखा है जिसमें भी आप बाहर देख सकते हो फुल ऑन लाइटिंग वाला एरिया। और यहाँ पे हम आज चेकआउट कर रहे हैं एंड हम यहाँ से निकल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, इट वाज सच अ नाइस एक्सपीरियंस। और यहाँ पे हम रहे सिर्फ दो दिन थे, थोड़ा अगर आप फिर से आओ तो आप नॉर्मल वाले डॉर्मेट्री वाले रूम्स भी जा सकते हो, हमने ये प्राइवेट वाला रूम लिया था। और यहाँ से अब हम निकलते हैं एंड फिर हम जाते हैं अपनी और ज़्यादा पूरे के पूरे उदयपुर की फुल ऑन वादियों में घूमते फिरते आपके साथ बहुत सारे वीडियो शेयर करते हुए, तो स्टे ट्यून रहना और आपके साथ हम जल्दी आपको मिलते हैं। अपना ख्याल रखना, बाय बाय एंड टेक केयर।